हम लोग PUCL छत्तीसगढ़ की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम है जो पीड़िया गांव में आई है, और 10 मई को जो पीड़िया गांव में एक एनकाउंटर की जो खबर आई थी उसकी जांच करने आए हैं, और यहां आके जो हम लोगों को पता चला उसके बारे में सभी टीम मेंबर्स आपको बताएंगे। जो सबसे पहली बात जो पता चली है वो ये है कि ये एनकाउंटर नहीं था, यहाँ पर फोर्स ने आके ग्रामीणों को मारा है, और दौड़ा दौड़ा के जंगल में जो ग्रामीण तेंदुपत्ता बिछा रहे थे और जो ग्रामीण अपने गांव के काम अपने दिनचर्या के काम कर रहे थे उनको डरा के भगाया है और फिर उनको मारा है, और अलग अलग लोग आपको उसका बताएंगे। ये बड़े मुश्किल के बाद से PUCL का एक समिति गठन करके हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए, यही से मतलब बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आई कि जो बार बार पुलिस ने दावा कर रहा था, सरकार ने दावा कर रहा था कि हम मतलब ग्रामीणों को मार के यानी कि नक्सलवाद को मार गिराने का दावा जो किया है वो पूरा फर्जी है। वो बातों पहले भी बोल रहे थे लेकिन हमारी टीम से पूरी स्पष्ट कर दिया है लोगों ने, कई लोग हजारों की भीड़ में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, फर्जी है और आम ग्रामीणों को मार दिया गया है। और साथ साथ ये भी दिक्कत हो रही है कि कितना लोग परेशान हैं, मतलब हर तरह से ये लोग दुखी हैं और तकलीफ है। हमारी टीम से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से कि और कुछ साथी लोग हम लोग हमारी मदद के लिए आए और हमको मतलब एक स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाए, वो आज़ादी हमको अगर आप लोग दिला सकते हो उस चीज़ के लिए भी वो बातें रख रहे। तो हम अपनी टीम जो फैक्ट फाइंडिंग में इस बातों को भी लेके आए, तो हमको ये लगता है कि और भी यहाँ के लोगों के लिए तो सबकी जरूरत है कि आए और वो इस तरह से चीजों को समझे और बेहतर उनके एक जीवन देने का एक मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। आने के बाद एक चीज और पता चला है कि जो चन्नू लेकाम है वो जिंदा है, लेकिन चन्नू लेकाम जिंदा है और उसको 2 लाख का इनाम बता के उसके आगे में जो डेथ बॉडी दिखा रहे वो चन्नू लेकाम नहीं है, वो कोई और है और वहां मतलब कोई उसका नाम छोटू है, वो छोटू को चन्नू लेकाम बनाए, तो ये बहुत गड़बड़ी एक स्पष्ट हो गया है। और वो चन्नू लेकाम जिंदा है, 2 लाख का इनामी है, और आज चन्नू लेकाम को पुलिस ने उसी दिन अपने गिरफ्त में लिया और अभी मतलब थाने में रखे थे, अब जेल भेज दिए, अब 1 लाख का इनाम हो गया। तो सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति मरता है तो 2 लाख, फिर उसको जिंदा भी यह सरकार कर लेती है और जेल भेजती है तो 1 लाख, यानी 3 लाख का उसको ये बताया गया, ये भी हमारे फैक्ट फाइंडिंग टीम में स्पष्ट हो गया है। और वो चन्नू लेकाम की पत्नी से मिले, परिवार से मिले, सब मिले, वो भी बोल रही है मेरा पति जिंदा है, मरा नहीं है, मेरा पति जेल में, और जो जिसको उसके नाम से किसी और को शो करके पैसा मेड़ने की कोशिश सरकार कर रही है बहुत गंदे तरीके, एक इंसान को मार के पैसा कमाने का जरिया बना रहे और उस पैसों का 2 लाख 3 लाख 5 लाख वो भी हमको इस टीम को स्पष्ट हो गया। और ये समझ में आता है इससे कि जल्दबाजी में जो पुलिस ने अपना प्रेस स्टेटमेंट निकाला है जिसमें ग्रामीणों को माओवादी और एक बैंड संगठन का सदस्य दिखाते हुए अपनी ये जो एनकाउंटर है उसका पुष्टिकरण करने की कोशिश की है, वो अपने आप में उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमें ये पता चला है कि ये जो यहाँ के DRG पुलिस है वो यहाँ के आम ग्रामीण जन के जो जनता है उनके घर में घुसे और वहाँ जोर जबरदस्ती वहाँ से सामान निकाला गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, उनको मारा पीटा गया, 13 साल के बच्ची को भी लाठी डंडे और लात घूसों से मारा गया है, और कुछ पुरुषों को जोर जबरदस्ती नक्सली होकर के घर से निकाला गया है और उनको उनके ऊपर भी लाठी डंडे से हमला किया गया है। बहुत सारे सामान जो है घर से निकाल के यहाँ से ले गए हैं, कुछ को फेंक दिए हैं और कई सारे सामानों को जला दिए गए हैं और उनको ये बोला गया है कि यहाँ से भगो। और इस तरह से डर का माहौल बनाने के बाद में जब ग्रामीण जन यहाँ से भागे हैं तो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने के बाद में पुलिस वाले जो है यहाँ फायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। इसमें एक और चीज जो है कि एक जो जितने भी लोग मरे उसमें एक बच्चा घायल है और अभी कई घायल लोग अस्पताल में हैं जिनको नक्सली बोल के शायद अरेस्ट कर रहे हैं या उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोग जेल में भी हैं। यहाँ पर एक महिला जेल में और एक बच्चा है जिसके पैर में गोली लगी है और वो अभी भी घायल है, उसको पुलिस
कि डर से वो इलाज कराने नहीं जा रहा है, जबकि वो एक आम ग्रामीण है और वो 15 साल का है, उसके पास अभी आधार कार्ड नहीं है, पर उसको देख के समझ में आता है कि वो नाबालिग है और उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पर वो भी डर से मेडिकल हेल्प ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हमारा ये भी अपील है कि सरकार उसको सुरक्षित रूप से उसको उसकी कंप्लेंट को भी ले, पहले उसका बयान दर्ज करे और उसके बाद उसको मेडिकल जो हेल्प है उसको स्वास्थ्य सुविधा है उसको मुहैया कराई जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।